सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ धनु राशि धनु लग्न वालों का जून 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में ही शनि और केतु विराजमान है। शनि तो काफी दिनों से विराजमान थे, लेकिन केतु के आने की वजह से कभी कभी आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो सकता है। आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं क्योंकि लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में विराजमान है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने से बड़े बुजुर्ग या फिर अपने घर के किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीयेश लग्न भाव में वक्री अवस्था में है केतु के साथ, तो ऐसी अवस्था में धन की स्थिति में कमी आ सकती है, यानी कि सेविंग्स से पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। किसी भी तरह के फालतू के खर्चों से बचिए, स्पेशली जो लोग उपाय के चक्करों में काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र के पीछे अपना पैसा वेस्ट करते हैं, वो लोग सावधानी पूर्वक जून के महीने को बिताइए। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तृतीयेश लग्न भाव में विराजमान है, तो कभी कभी पराक्रम ज़्यादा होने की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करके उसको कीजिए, या प्रॉपर उसमें समय देकर प्रॉपर उसमें स्टडी करके ही आगे बढ़िए। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थेश द्वादश भाव में विराजमान है, तो जैसा कि मैंने कहा घर के मेंटेनेंस में खर्च हो सकता है, घर वालों के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। पांचवें भाव में शुक्र और चंद्रमा विराजमान होने के कारण बुद्धि कौशल से यानी कि अपने इंटेलिजेंस का अच्छे से यूज़ करके आप इनकम कर सकते हैं। विद्यार्थीगण काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेंगे और उनको अपने परफॉर्मेंस का सही रिजल्ट मिलेगा। छठे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, तो शत्रुओं से सावधान रहिए। कभी कभी शत्रु जो है आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। हालांकि आपका जोर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शत्रुओं से सावधान रहना ज़रूरी है। सप्तम भाव में राहु और मंगल विराजमान है, तो दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो सकती है। जिन लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है वो क्लियर हो सकता है, यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअल डिवोर्स भी हो सकता है। अगर पत्नी की बात सही नहीं लगती है तो आप उनसे किसी भी टॉपिक में कोई भी चर्चा ना करें, यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी बात पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान होने के कारण अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान होने के कारण कभी कभी ऊटपटांग के विचार आ सकते हैं। स्पेशली विद्यार्थीगण किसी बात को लेकर डिप्रेशन में जा सकते हैं। जो लोग ऑकल्ट साइंस के ऊपर अपना रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये महीना बहुत ही बेहतरीन जाएगा। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवमेश छठे भाव में विराजमान होने के कारण किस्मत में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रह सकती है, कभी अच्छा कभी बुरा। मिला जुला के ये महीना भाग्य आपके साथ ही रहने वाला है। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दशमेश छठे भाव में विराजमान होने के कारण काम का प्रेशर ज़बरदस्त रहेगा, इनकम भी ज़बरदस्त होगा। इतना ही नहीं, काम की जगह पर आपका दबदबा भी ज़बरदस्त बना रहेगा। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। एकादशेश पंचम भाव में विराजमान होने के कारण अपनी बुद्धि कौशल से आप इस महीने काफ़ी बेहतरीन इनकम करेंगे और अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा देंगे। द्वादश भाव में गुरु विराजमान होने के कारण तबीयत में गड़बड़ी आ सकती है, इसलिए सेहत का ख्याल अच्छे से रखिए। ओवरऑल ये महीना आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बिताना है, स्पेशली दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ही सावधान रहना है। किसी भी तरह के बात बिगड़ने से पहले अलर्ट रहिए। तो दोस्तों, ये था धनु राशि धनु लग्न वालों का जून 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।